पटाखा बैन पर जानिए क्या बोले अजय देवगन। इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी किया बहिष्कार। देश की राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। शीर्ष न्यायालय के इस धमाके की गूंज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सुनाई दे रही है। दिल्ली में तो कुछ नेता इस आदेश के खिलाफ विरोध स्वरूप पटाखे बांट रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पटाखों का बहिष्कार करने की अपील लोगों से की है। सेलिब्रिटीज का मानना है कि दिवाली रोशनी का त्योहार है। पटाखों के शोर शराबे में खुशी ढूंढने के बजाय दिए जलाकर रोशनी फैलानी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण तो कम हो ही सके, साथ ही जानवरों को भी परेशानी से बचाया जा सके। पटाखा गुड्डी आलिया भट्ट पैट लवर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके धमाकेदार पटाखे न छोड़ने की अपील की है। कृति सनोन ने अपने पूछ के साथ एक फोटो शेयर करके लिखा है कि वो अपने पूछ डिस्को के लिए इस साल दिवाली पर पटाखों को पूरी तरह डिच कर रही हैं। मैं पटाखे पर पूछ को प्राथमिकता दे रही हूँ, कुछ ऐसा ही संदेश श्रद्धा कपूर ने दिया है। श्रद्धा ने अपने डॉगी के साथ वीडियो शेयर करके लिखा है, रोशनी का त्योहार दिवाली आ रहा है, जो ध्वनि और वायु प्रदूषण का नहीं है। हवा को शुद्ध रखने में मदद करें और रास्तों पर जानवरों के प्रति संवेदनशील रहें। सुशांत सिंह राजपूत ने भी जानवरों को तेज आवाज से होने वाली दिक्कत को हाईलाइट करते हुए ट्वीट किया है, मगर इसको लेकर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं अजय देवगन ने पटाखा बैन के फैसले को सही बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो सही है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि इससे पटाखा विक्रेताओं को परेशानी तो होगी क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए यह सही फैसला है और मैं इसके साथ हूँ। अजय ने स्वीकार किया कि ये फैसला बाकी शहरों पर भी लागू किया जाना चाहिए। अजय की फिल्म गोलमाल अगेन दिवाली पर रिलीज हो रही है। राजकुमार राव ने भी एक इंटरव्यू में पटाखों पर बैन को सही बताया है। राव ने कहा कि बचपन में वो भी पटाखे छोड़ते थे, मगर अब समझ में आया है कि इनसे कितना प्रदूषण होता है।